बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डब्ल्यू स्टूडियो की जानिब से मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए असाइनमेंट लेकर आया हूँ, असाइनमेंट नंबर 2 CS 301 वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। ये डाटा स्ट्रक्चर की दूसरी असाइनमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने C++ से यूज़ करना है। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अब वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। अगर किसी दोस्त ने ये असाइनमेंट बनवानी हो तो वो मुझे जीमेल कर दे, मैं इंशाल्लाह उसको असाइनमेंट बना के दूँगा। और अगर किसी दोस्त ने ना बनवानी हो तो फिर वो वीडियो को लाजमी लाइक करें और ख़ुद बना लें वीडियो को देखते हुए। इसकी जो मैंने कोडिंग की है वो कम से कम की है और इसको ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया नहीं है। इसकी दो असाइनमेंट आई थी, एक जो पहले असाइनमेंट आई थी उसमें एक चीज़ का फ़र्क है। जो पहली मेरे पास फाइल आई थी वो ये आई थी कि इसमें गिफ्ट फाइल भी साथ है एग्जीक्यूशन की बना के, और साथ C++ कोडिंग, ये दोनों एक जिप में या रेयर में फाइल में कन्वर्ट करके उसके बाद अपलोड करनी थी। तो फिर उसके बाद अब जो नई इसकी असाइनमेंट आई है वो कुछ इससे थोड़ी सी तब्दील है, बाकी ये डाटा तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। अब जो नई असाइनमेंट है वो इस तरह है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मस्ट बी सबमिटेड इन ए सिंगल फाइल, आपने सिंगल फाइल ही अपलोड करनी है, सिर्फ कोड आपने अपलोड करनी है C++ के। फाइल नेम शुड बी योर VUID, फाइल नेम में आपने अपने सिर्फ और सिर्फ VUID लाजमी लिखनी है। तो इसकी अब मैं कोडिंग आपको बता देता हूँ, इतनी मुश्किल कोडिंग नहीं है। आपने जो असाइनमेंट नंबर 1 बनाई थी उसी से मिलती जुलती इसकी कोडिंग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो आइए चलते हैं कोडिंग की तरफ। इसका थोड़ा सा डाटा पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपने C++ में एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है और फिर उसके बाद आपने ये चीज़ें जो है, एक तो आपने रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पेशेंट हैज़ रीच्ड, तो आपने हर मरीज़ का रिकॉर्ड दर्ज करना है इसमें, उसकी नाम से, जेंडर से, एज से और COVID-19, और इसके बाद डेबिट से यानी कि उसको शुगर है या नहीं है, हार्ट डिसीज़ है, दिल का मरीज़ है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। और मेन इनपुट जो है वो आपने ऑल पेशेंट्स अटेंडेंट क्लिनिक, फिर उसके बाद आपने पेशेंट के लिए आपने क्वेरी का इस्तेमाल करना है, कीप द अकाउंट ऑफ ईच पेशेंट टाइप, आपने हर मरीज़ की तादाद भी बतानी है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किड्स कितने हैं, ओवर एज कितने हैं। फिर उसके बाद आपने ये भी सब बताना है कि हाई रिस्क पेशेंट कितने हैं ऑन द बेसिस ऑफ COVID-19 इज पॉजिटिव, अगर उसकी COVID-19 पॉजिटिव हो, हार्ट डिसीजेज आर ब्लड शुगर आर एज ओवर 15। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अगर उसका COVID-19 पॉजिटिव हो, ये बात लाजमी है कि COVID-19 उसकी पॉजिटिव हो, उसके बाद उसका ये हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम या फिर शुगर उसकी हो या फिर वो 50 साल से बड़ा हो, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, उसको हाई रिस्क में ले आना है। अब मैं इसके कोड की तरफ आ गया हूँ।
इसका कोड देखने से पहले मैं यहाँ पर एक और बात आपसे शेयर कर लूँ कि अक्सर आपने ये गलती की है कि यहाँ पर एक चीज़ उसने पूछी है, नंबर ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स, ए पेशेंट्स विल बी रिस्क ऑफ COVID-19 इज इट पॉजिटिव। अगर उसका COVID-19 पॉजिटिव होगा, ये वाला लाजमी पॉजिटिव हो, फिर उसके बाद इनमें से कोई एक चीज़, यहाँ पर ये ब्लड शुगर है, ये वाली कंडीशन, अगर दो यानी कि COVID-19 और ब्लड शुगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो हाई रिस्क होगा। COVID-19 और हार्ट डिसीज है, ये पॉजिटिव होगा फिर भी वो हाई रिस्क है, और इसी तरह ये COVID-19 और ओवर एज 15 होगा तो तब भी वो मरीज हाई रिस्क होगा। ये वाली कंडीशन जो जितने भी प्रोग्राम है उनके में मैंने वीडियो देखे हैं, उन्होंने ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लगाई। अगर आप लोगों ने ये कंडीशन नहीं लगाई तो फिर आपके असाइनमेंट के नंबर काटे जाएंगे। अब इसकी जो ये वाली कंडीशन है ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर इस्तेमाल हुई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूं। अगर किसी ने कोड यहां से नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो फिर मुझे मेल कर देना, मैं खुद उसको कर दूंगा। यहां पर ये आई स्ट्रीम आ जाएगा, उसके बाद इंक्लूड कोनियो डाटा आ जाएगा, उसके बाद ये क्लास फाइल स्टोरिंग डाटा, कोई क्लास फाइल स्टोरिंग डाटा, ये भी जहन में रखना। यहाँ पर उसने क्लास का जिक्र किया है और इसमें असाइनमेंट में भी उसने यहाँ पर ये लाजमी कहा, यूज ऑफ स्ट्रक्ट इज नॉट अलाउड ओनली क्लास फॉर दिस असाइनमेंट। ठीक है, क्लासेज हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, स्ट्रक्ट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। जिन बच्चों ने क्लासेस की बजाय स्ट्रक्ट को इस्तेमाल किया तो उसकी भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो रॉन्ग तस्वर की जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्लासेस का जिक्र करना है, तो कोई क्लासेस फॉर स्टोरिंग डाटा, तो यहाँ पर इंटीजर के तौर पर एज, ब्लड के तौर पर ब्लड आ जाएगा यानी कि ब्लड शुगर उसकी, और हार्ट के तौर पर हार्ट डिसीजेज आ जाएगा, COVID-19 के लिए कोविड आ जाएगा। इस तरह स्ट्रिंग नेम, जेंडर, कोई नेक्स्ट एड। अब क्लास लिस्ट जो है वो आपने लिंक्ड करनी है, लिंक क्लास फॉर स्टोरिंग डेट नोड जो आपने इसमें नोड बनाना है। अब यहाँ पर प्राइवेट कोई हेड, इसको आपने नल कर देना है, फिर उसके बाद पब्लिक, इसमें आपने वाइड इंसर्ट करना है, वाइड डिस्प्ले करना है और वाइड काउंट करना है। यहाँ पर ये बंद हो जाएगा, उसके बाद आपने वाइड लिस्ट पहली ये वाली चीज़ प्रिंट करनी है। अब इसका डाटा आपने लिखना है, तो सिस्टम आपने क्लियर कर देना है कि पहले जो डाटा इसमें फालतू पड़ा है तो वो क्लियर हो जाए ताकि एरर ना। इसमें इंट ए बी सी, ए बी एच एंड सी, ये वाले आ जाएंगे। अब सेटिंग आपने यहाँ पर एन और जी लेना है, टेक पेशेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएंगी उस मरीज़ की, तो ये वाला पोर्शन आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने सी ऑफ पहला नाम आ जाएगा, उसके बाद उसकी एज आ जाएगी, उसके बाद जेंडर नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा चाहे मेल है या फीमेल है, और उसके बाद ब्लड शुगर आ जाएगी, पॉजिटिव है तो उसके लिए 1 यूज़ कर लें और नेगेटिव है तो उसके लिए 0 यूज़ कर लें। हार्ट डिसीजेज है, अगर उसको दिल का मसला है तो फिर 1 और नेगेटिव 0 कर दें। COVID-19 का मसला है तो फिर आपने उसको पॉजिटिव करना है, जबकि 0 के लिए आपने नेगेटिव करना है। इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू नोड, आप नोड में क्या करना है, ये रिकॉर्ड दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से ये वेरिएबल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही वेरिएबल आपने यूज़ करने है, आप कोई और शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल कर लें। तो नेम के लिए एन, एज के लिए ए, जेंडर के लिए जी, ब्लड के लिए बी, हार्ट के लिए एच और कोविड के लिए सी, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ऐड कर देगा, इसको आपने नल कर देना है, और ये ऐड नोड इन टू लिंक लिस्ट, जो लिंक लिस्ट है उसके साथ इसका तल्लक हो जाए इफ अगर हेड जो है वो नल हो। हेड न्यू नोड आपने करना है, या फिर आपने क्या करना है, चेक करनी है लिस्ट लिस्ट नोड। ठीक, फिर उसके बाद कोई पॉइंटर इज इक्वल टू हेड आ जाएगा, फिर वाइल यहाँ पर लूप आपने इस्तेमाल करना है, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर आ जाएगा, नेक्स्ट ऐड करना है, फिर उसके बाद पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंट नेक्स्ट ऐड इज इक्वल टू न्यू ऐड। अब यहाँ पर आ जाए, इसमें आपने क्या करना है, सी आउट लेना है, पेशेंट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पर रिकॉर्ड की बजाय इंफॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, आपने डिस्प्ले कराना है जो रिज़ल्ट आपने यहाँ पर हमने लिया है, एक हमने वाइड डिस्प्ले लिया था, एक इंसर्ट, यहाँ पर डाटा इंसर्ट करना है और यहाँ पर आपने डिस्प्ले लेना है, उसका प्रिंट लेना है। तो इसके लिए आपने ये कौन से सिस्टम आपने क्लियर कर देना है दोबारा से, फिर आपने क्या करना है,
डिस्प्ले आल रिकॉर्ड, यहाँ पर आल इंफॉर्मेशन लिख दें। पॉइंटर आपने हेड के बराबर रख देना, फिर उसके बाद पॉइंटर को नल कर देना यहाँ पर लूप में। तो नेम पॉइंटर नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, पॉइंटर एज आ जाएगा, फिर उसके बाद जेंडर पॉइंटर आपने जेंडर रख देना। ये आपने ब्लड के लिए अगर बंद होगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, ज़ीरो। अगर हार्ट डिसीज पॉजिटिव होगी तो फिर क्या होगा, आपको अगर हमने वन प्रेस किया तो फिर पॉजिटिव शो करेगा, नहीं तो वो आपको नेगेटिव शो करेगा। यहाँ पर आपने कोविड के लिए भी लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ कोई चीज़ भी ऐड कर दें ताकि ये एक लाइन लग जाए दरमियान में, तो अपना नाम भी यूज़ कर सकते हैं, या अपना नाम ना यूज़ करें तो फिर कोई और कमांड यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, डॉटेड लाइन लगा दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना, पॉइंटर को पॉइंटर नेक्स्ट ऐड कर देना। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ आ जाएगी जो हमने ये ली लिस्ट, यहाँ पर वाइड काउंट की ली थी, वो यहाँ पर आ जाएगी। वाइड लिस्ट इज इक्वल टू काउंट के बराबर आपने काउंट करना है इनको कि कितनी तादाद है। तो इसी में ये वाला जो हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले तो आपने जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो के बराबर रखनी है, तमाम वैल्यूज़ आपने ज़ीरो के बराबर रखनी है। एन पी ज़ीरो, एफ पी ज़ीरो, के ज़ीरो, ये तमाम जितनी भी है ये आपने ज़ीरो कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, काउंटेड इंफॉर्मेशन या काउंटेड रिकॉर्ड लिख लें जो आपका दिल करता है। उसके बाद क्वी में आ जाए, क्वी में आपने क्या करना है, इसको आपने पेंटर को हेड कर देना और वाइल में आपने लूप इस्तेमाल करना है और इसको पेंटर को आपने नल कर देना। यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है कि अगर जेंडर मेल है तो फिर पेंटर मेल कर दे, नहीं तो फिर क्या कर दे, इसमें एक इजाफा कर दे तो वो चला जाएगा फीमेल में। अगर एज जो है वो 15 से कम है तो फिर क्या करें, इसमें एक इजाफा कर दे। अगर 15 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा है तो फिर भी इसमें एक का इजाफा कर दें, यानी कि वो कंडीशन जो हमने दी है पीछे उसी को पढ़ लें। इफ अगर ब्लड पॉजिटिव है तो बी प्लस कर दें, अगर उसका हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसमें एच प्लस कर दें, अगर उसमें कोविड 19 का मसला है फिर उसमें एक का इजाफा कर दें। इफ पॉइंटर, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये काउंटिंग करने के लिए जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपका यूज़ होना है। और इसमें जितनी भी वीडियोस मैंने देखी उनमें सब में ये कंडीशन गलत दी गई है, तो इस कंडीशन को आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि अगर पॉइंटर जो है कोविड 19 उसका पॉजिटिव होगा तो फिर एज भी उसकी 50 से ज़्यादा हो तो तब क्या करें, आपको वो बताया कि उसमें कितनी तादाद है और उसको हाई रिस्क मिले है, उसको किस चीज़ मिले है, मरीज़ को हाई रिस्क मिले है। अगर उसका पॉइंट कोविड 19 पॉजिटिव और ब्लड भी पॉजिटिव हो तब भी वो हाई रिस्क होगा। अगर कोविड 19 वन हो और पॉइंटर भी उसका वन हो तो वो किस में उसको ले आए, हाई रिस्क में ले आए। यहाँ पर ये दोबारा देख लें, वो नंबर ऑफ हाई रिस्क पेशेंट कब होगा, जब उसकी कोविड 19 इज पॉजिटिव होगी और साथ ब्लड शुगर होगी या पॉजिटिव, या फिर यहाँ पर आर का जिक्र है, या फिर उसका हार्ट डिसीजेज होगा, या फिर एज ओवर 15 होगी। इस कंडीशन को किसी ने नहीं देखा, उन्होंने क्या किया, एक ही लाइन में ये सारी कंडीशन लगा दी और असाइनमेंट मुकम्मल कर दी। इस तरह असाइनमेंट आपकी मुकम्मल नहीं होगी अगर आपने ये कंडीशन ना लगाई। अगर इस तरह आपने कंडीशन लगाई तो आपकी ये असाइनमेंट तब मुकम्मल होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंटर को यहाँ पर, अगर ये वाली तीनों कंडीशन यहाँ पर ये दुरुस्त होगी, इनमें से कोई एक भी कंडीशन दुरुस्त चलती है तो फिर क्या करता है, ये इस पे आ जाता है। इसके बाद क्या करना, आपने इसका आउटपुट लेनी है कि नंबर ऑफ पेशेंट, मेल पेशेंट कितने हैं, फीमेल पेशेंट कितने हैं, नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, पेशेंट एज ओवर 15 कितने हैं, ब्लड शुगर डिसीजेज कितनी हैं, ये आपने देख लेना जो आपने प्रिंट कराना है। यहाँ पर ये आपने क्या करना है, मेन को यहाँ पर बंद कर देना है इस फंक्शन को, और यहाँ पर आ जाना है मेन में, मेन फंक्शन आ जाना है, लिस्ट यहाँ पर करेक्टर आ जाना, ट्रेस लेना है, कॉल इंसर्ट फंक्शन, फिर उसके बाद डू जो हमने बाय लूप लिया था यहाँ पर उसको डू करना है, इंसर्ट यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज हैं वो आगे इंसर्ट होंगी। तो सी एंड चॉइस आपने देना है, डू यू वांट ऐड अनदर पेशेंट, अगर आपने किसी और मरीज़ का रिकॉर्ड देना है तो यहाँ पर आपको वो चॉइस देगा।
चॉइस के लिए आपने वाई प्रेस लेना है, वाइल लूप ले लें या फॉर लूप ही यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। तो ये कंडीशन आप देख लें इसकी, और इसके बाद आपने करना है वन डॉट काउंट, उसके बाद ये बंद कर देनी है, और उसके बाद गेट सी एच आ जाएगा, ये भी कंडीशन यहाँ पर बंद हो जाएगी, और उसके बाद आपने रिटर्न ज़ीरो कर देना है। ये थी इसकी असाइनमेंट, और ये इसके टोटल जो लाइंस बनती हैं वो तकरीबन 137-138 बनती हैं, और कई लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के तकरीबन 200 से भी ऊपर कर दिया है। उम्मीद है मुझे ये असाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होगी, जो उसने कंडीशन यहाँ पर मांगी है उन्हीं के मुताबिक ये बन रही है। तो इसकी कोडिंग मुकम्मल यही है, आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसको कर सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले इसको कंपाइल कर लें। कंपाइल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। आप क्या करना है, इसको रन करना है, ये रन की कंडीशन आ गई। अब हमारे पास फर्ज किया पहला मरीज ए है, यहाँ पर आपने अपनी आईडी इसमें जो पहले वाली असाइनमेंट, एज उसकी 13 साल है, जेंडर उसकी मेल है, यहाँ पर उसकी ब्लड शुगर 1 है और दिल का मसला नहीं है, और ये भी कंडीशन हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर वाई न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद बी इसकी एज 30 कर लें, जेंडर इसकी फीमेल बन जाएगी, फीमेल कर लें इसकी। ब्लड शुगर इसे है, ब्लड शुगर इसकी नेगेटिव है, और फर्ज के इसका हार्ट का मसला है, और साथ इसको कोविड-19 भी है। अब यहाँ पर नई कंडीशन वैल्यू देनी है, कोई और सी हम मरीज कर लेते हैं, सी सी की एज ये भी लिमिटेड एज में है, 36 कर लें इसकी या 39 कर लें। जेंडर ये मेल है, और वन फॉर हार्ट का इसे मसला नहीं है, कोविड-19 का इसे मसला है। एक और कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर वो भी साथ है, यानी कि तीनों मर्द उसमें मौजूद हैं, तो तब भी वो कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है, वो भी मैं एंड में आपको बता दूंगा। वो मैंने अलग प्रोग्राम के लिए टेस्ट की थी, अगर आप चाहते हैं वो भी इसमें शामिल हो तो वो भी शामिल कर देते हैं। तो हम नया रिकॉर्ड देना चाहते हैं, नेम एंड नेम, एज उसकी अब 15 बन दी है, 70 कर लें इसकी, जेंडर वो मेल हो सकता है या फीमेल भी कर लें। यहाँ पर ये ब्लड शुगर उसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव कर लें, या और ये भी कंडीशन आप नेगेटिव कर लें जो मैंने आपको तीसरी बात की एज वाले। अब यहाँ पर ये एज उसकी क्या है, अपना कोविड-19 उसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसको भी इंटर कर दें, और एन। अब यहाँ देखें टोटल मरीज हमने दर्ज किए थे 3, नंबर ऑफ फीमेल मरीज कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ किड्स कितनी है 1 है, और नंबर ऑफ पेरेंट पेशेंट्स एज ओवर 15 वो 1 है। अब हार्ट ब्लड शुगर के कितने हैं 2 हैं, हार्ट के कितने मरीज हैं 1 है, जबकि कोविड-19 के कितने हैं वो 3 है। अब यहाँ पर हाई रिस्क कितने हो गए, 3 हो गए, वो 3 कैसे हो गए। अब किसी में हमने ये कोविड-19 तीनों में रखा है, अब किसी में हमने ये कंडीशन रखी है कि ओवर 15 रखें और उसके बाद ब्लड शुगर रखिए या फिर हार्ट डिसीज रखें, तो इस तरह कुल मिला के कोविड-19 के मरीज, अगर किसी में कोविड-19 नहीं होगा तो बाकी ये दो कंडीशन होगी, तो फिर तो ये हाई रिस्क में नहीं आएगा। इस तरह ये हमारा असाइनमेंट का ये प्रोग्राम कम्प्लीट होता है। वो जो दूसरी बात मैंने आपको की है वो यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो वाली कंडीशन
यहाँ पर। लेकिन उसने ये रिक्वायर नहीं कहा, तो आप इसे ना यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर ये एल्स में आ जा रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये इसमें एरर तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा है। वर्किंग करेगा आपका ये भी, अगर आपने हार्ट डिसीज को भी पॉजिटिव कर दिया, ब्लड को भी पॉजिटिव कर दिया, कोविड-19 को भी पॉजिटिव कर दिया, और एज भी 50 से अब कर दी, तो ये आपका फिर भी वर्किंग करेगा और इसमें को हाथ में हाई रिस्क में ले आना है। ये थी असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।